Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फिल्मी अड्डा चैनल पर। चलिए अब हम बात करते हैं मशहूर यूट्यूबर और रियलिटी शो बिग बॉस 13 के पूर्व कंटेस्टेंट हिंदुस्तानी भाव के उर्फ विकास पाठक की। अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने मशहूर निर्माता निर्देशक एकता कपूर की वेब सीरीज का विरोध जताया, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। अब हिंदुस्तानी भाव ने अभिनेत्री और निर्माता अनुष्का शर्मा की फिल्म पर एतराज जताया। हाल ही में अनुष्का शर्मा द्वारा प्रोड्यूस हुई फिल्म बुलबुल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। बुलबुल को लेकर हिंदुस्तानी भाव ने आपत्ति जताई। उन्होंने ट्विटर पर फिल्म बुलबुल के संवादों को लेकर कहा है कि इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण और राधा को गंदी भाषा से अपमानित किया है, सरकार इन पर कब कार्रवाई करेगी। हिंदुस्तानी भाव ने अपने ट्वीट में लिखा, अनुष्का शर्मा की बुलबुल वेब सीरीज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा को गंदी भाषा से अपमानित किया है, क्या ऐसे लोगों पर यह सरकार कार्यवाही करेगी। अब तक एकता कपूर पर कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की, कब तक ऐसे लोग हमारे देश को बदनाम करेंगे। सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी भाव का यह ट्वीट वायरल हो रहा है। उनके कई फैंस इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर की वेब सीरीज XXX अनसेंसर्ड 2 के एक एपिसोड पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया था कि XXX अनसेंसर्ड 2 के एक एपिसोड में भारतीय सेना की वर्दी का अपमान किया गया है, इसके लिए एकता को माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी ही नहीं, उन्होंने एकता कपूर के खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी। हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर की वेब सीरीज XXX अनसेंसर्ड 2 के एक एपिसोड के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए यह मांग की थी कि एकता को इस कृत्य के बदले भारतीय सेना से माफ़ी मांगनी होगी। साथ ही हिंदुस्तानी भाव ने कहा था कि एकता कपूर को इसके लिए भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना और अपनी वेब सीरीज से इस एपिसोड को भी हटाना होगा। इसके अलावा यह भी वादा करना होगा कि बात का एकता कपूर ने लीगल नोटिस के ज़रिए जवाब दिया।